होली में शराब खपाने के मंसूबे पर भागलपुर पुलिस ने पानी फेर दिया। साथ ही आधा दर्जन से ज्यादा तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सबौर थाना क्षेत्र होकर शराब की बड़ी खेप गुजरने वाली है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई करते हुए सिटी एसपी की निगरानी में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा सबौर थाना क्षेत्र में वाहनों की जांच शुरू की गई। तभी सामने से आ रही स्कॉर्पियो एवं कार को जब जांच के लिए रोकने का इशारा किया गया तो वह भागने लगे। इसके बाद पुलिस ने जब स्कॉर्पियो और कार की तलाशी ली तो उसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया। मौके से 7 तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि शराब होली में खपाने के लिए भागलपुर के रास्ते नौगछिया होकर मधेपुरा जाने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने शराब तस्करों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान उदा किसागंज थाना क्षेत्र के बिंदेश्वरी ठाकुर के पुत्र पांडव कुमार, चौसा थाना क्षेत्र के सुरेश यादव के पुत्र शंकर यादव, उदा किशनगंज थाना क्षेत्र के बेचन यादव के पुत्र नीतीश कुमार, बाबू साहब के पुत्र आरुष राज, लाल यादव के पुत्र गौरव कुमार, मनोज यादव के पुत्र सुमन कुमार के रूप में हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है, जिसको लेकर शनिवार को भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बिंदुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। वही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर विस्तृत जानकारी भागलपुर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने दी। और आज से ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, धारा 144 लग गया है, जिसमें कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का कहीं भी मजमा वो अवैध करार दिया जाता है। यानी कि कहीं भी कोई सभा होगी, कोई जुलूस होगा, कोई एग्रीगेशन होगा तो उसकी अनुमति पूर्व में ही SDO से लेना पड़ेगा और उसको पालन अनुपालन करना मैंडेटरी होगा। अन्यथा धारा 144 के उल्लंघन के साथ साथ यदि इलेक्शन संबंधित कोई वहाँ बैठकें चल रही है तो उसमें हम लोग इलेक्शंस के डिफरेंट सेक्शंस के तहत उसमें IPC के सेक्शंस भी हम लोग इम्पोज करेंगे। आप अवगत हैं कि अभी जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो जितने भी सरकारी हमारे परिसर हैं वहाँ बैनर पोस्टर यदि किन्हीं का लगा हुआ है उस बैनर पोस्टर को हम लोग रिमूव करते हैं, उसके लिए 24 घंटे का वक्त दिया गया है। साथ ही किसी निजी घर पे, किन्हीं के निजी घर पे कोई बैनर पोस्टर लगा हुआ है तो संबंधित बैनर पोस्टर लगाने वाली व्यक्ति का दायित्व तो होगा कि उस घर के मालिक से वो परमिशन ले कि इस खाता खेसरा की जमीन पर और जिसकी चौहद्दी ये है कि हम यहाँ पे पोस्टर लगा रहे हैं उनकी अनुमति लेना मैंडेटरी है। यदि वो अनुमति नहीं लेते हैं और वो जो घर के मालिक हैं वो कंप्लेन करते हैं तो उसमें डिफरेंट सेक्शंस के साथ साथ हम लोग भवन निरूपण यानी पब्लिक प्रॉपर्टी के निरूपण के लिए भी हम लोग उसमें सेक्शंस को इम्पोज करके FIR करेंगे। इसमें एक सुविधा पोर्टल का विकास किया गया है जिसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है या कोई भी व्यक्ति हैं जो इसमें निर्वाचन से संबंधित हैं विभिन्न सुविधाओं के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन को सिंगल विंडो सिस्टम से हम लोग डिस्पोजल करते हैं। जैसे किन्हीं को कहीं सभा करानी है तो उसका एप्लीकेशन उस पर वेल बिफोर टाइम कम से कम 72 घंटा पहले हमें डालें और जिस ज़मीन पर कराना है उस ज़मीन का NOC उनको लेकर के मैंडेटरी है कि प्रोवाइड करेंगे। यदि सरकारी भूमि पे है तब भी उनको मैंडेटरी है कि ज़मीन का NOC जो संबंधित विभाग है उनसे लेकर के डालेंगे। अब उसमें अन्य विभागों का जो NOC है वो हम लोग सिंगल विंडो सिस्टम से क्लियर करा करके देंगे। यदि हेलीकॉप्टर से फ्लाई कराना चाह रहे हैं, VIP आ रहे हैं तो इसकी भी अनुमति उनको लेना मैंडेटरी है और उक्त अनुमति के आलोक में ही आगे कार्रवाई करेंगे। कोई भी सभा होगी, कोई भी जुलूस होगी तो उसमें हम लोग वीडियोग्राफी मैंडेटरी कराएंगे जो हमारे कोषांग के द्वारा कराया जाएगा। उस वीडियोग्राफी को जो हमारा मॉडल कोड का कोषांग है वो कोषांग उसको एग्जामिन करेगा और लगेगा कि नहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन है तो हम लोग उचित फिर कार्रवाई करेंगे।
कोई काफिला है कहीं, तो उस काफिले में अधिकतम 10 वाहन एक साथ मूव कर सकते हैं, फिर 100 मीटर का गैप देना पड़ेगा, फिर 5 वाहन मूव करेंगे, फिर 100 मीटर का गैप के बाद 5 वाहन मूव करेंगे, इसको फॉलो करना जरूरी है। यदि कहीं भी कोई सभा होती है, कोई जुलूस होती है, तो एक नियत अवधि के लिए हम लोग उसको परमिशन देंगे, ताकि दूसरे कोई व्यक्ति यदि उसी ग्राउंड में सभा कराना हो तो उनको एक गैप के बाद हम उस ग्राउंड को दे सकें। कोई जुलूस होगा तो एक ही रूट पर दो जुलूस को एक समय में हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, जिससे कि किसी प्रकार का विवाद हो। कभी कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पर्सन के निजी जीवन के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करें, ये अनुरोध है। ये मॉडल कोड का वायलेशन है, यदि कंप्लेन करते हैं तो इस सेक्शंस में भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। कहीं भी किसी धर्म, जाति, भाषा, संप्रदाय पे कोई टिप्पणी नहीं होना चाहिए। कहीं भी कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च और कोई भी धार्मिक स्थल है, वहाँ निर्वाचन संबंधी प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। कोई भी जो लाउड स्पीकर है वो चुनाव प्रचार के लिए परमिशन लेना मैंडेटरी है, क्योंकि उससे हम लोग एक्सपेंडिचर भी काउंट करते हैं। और दूसरा कि कई वाहनों पे लाउड स्पीकर लगा होता है, तो वाहन पे तब तक लाउड स्पीकर नहीं अलाउ कर सकते हैं जब तक कि SDO का परमिशन उस पर नहीं हो, क्योंकि वाहन के पे खर्च में हमें शामिल करना पड़ता है। यदि लगा हुआ है किन्हीं के वाहन पे तो उसको रिमूव करेंगे, बिना SDO के परमिशन से वो वाहन पे लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते हैं। और मैं आपके माध्यम से समस्त राजनीतिक दलों से के प्रतिनिधि हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा, जिनको कभी ब्रीफ भी किया गया है, कि इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करें। हमने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कॉपी है हमने प्रोवाइड करा दिया है। भागलपुर में फेयर फ्रेंड्स सोसाइटी की ओर से आज रंगीलो महोत्सव का आयोजन देवी बाबू धर्मशाला में किया गया। रंगीलो महोत्सव में राजस्थानी परंपरा को ध्यान में रखते हुए मेला भी लगाया गया, जिसमें खाने पीने की दुकान, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल की व्यवस्था, राजस्थानी गीत संगीत एवं बच्चों के लिए चित्रकला और मारवाड़ी गीतों पर डांस प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन भागलपुर नगर निगम की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर प्रीति शेखर, श्वेता सुमन, दीपक शर्मा और आगत अतिथियों ने किया। वहीं संस्था के अध्यक्ष राजीव गर्ग ने बताया कि हमारी पुरानी रीति रिवाज पर वर्तमान समय में अंग्रेजी रीति रिवाज ने कब्जा जमा लिया है। मौके पर कार्यक्रम के संयोजक रमन बिहारी भारतीय, सचिव प्रदीप शिवानी बाला, कोषाध्यक्ष पंकज कनोडिया, आयुष केजरीवाल, विकास गुप्ता, सरिता गर्ग, प्रिय वर्मा, प्रियंका सोनी समेत कई सदस्य और शहर के गणमान्य उपस्थित थे। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य रंगीलो उत्सव है, इसमें बच्चों द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें बच्चे स्वयं से अपनी प्रतिभा दिखाएंगे, स्वयं से चित्र बनाएंगे। ये 1 बजे से शुरू हो गया है और नित प्रतियोगिता 3 बजे से होगी बच्चों द्वारा। अभी हाल फिलहाल में सारे स्कूल में एग्जाम खत्म हुआ है, तो बच्चों को ध्यान में ये रखते हुए हम लोग ये चित्रकला प्रतियोगिता करवाए हैं और बच्चे बहुत उत्साह हैं। माहे रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, ऐसे में हर मुसलमान रब की इबादत में मशगूल है। सभी ज्यादा से ज्यादा नेक काम करने और तपती धूप में रोजा रख कर सब्र का इम्तिहान दे रहे हैं। वहीं भागलपुर खानकाए पीरदमरिया शाह के 15वें सज्जादा नशी सैयद शाह फकरे आलम हसन ने कहा कि रमजानुल मुबारक का पहला अशरा गुजरने को है, इस अशरे में रोजेदार पर खुदा की रहमत बरस रही है। उन्होंने बताया कि रोजाना सहरी के वक्त खुदा की ओर से मगफिरत के तलबगार को माफ कर दिया जाता है, रोजी मांगने वालों को रिज्क से नवाजा जाता है। उन्होंने कहा कि परेशान हाल और मुसीबत जदा को गम के मारों की मुश्किलात को हल कर दिया जाता है, बस जरूरत है खुदा पर कामिल यकीन रखते हुए उस मालिक से मांगा जाए जो ऐसा दाता है कि जब से दुनिया आबाद है तमाम मखलूक को वही खिलाता है और पिलाता रहा है। ईमान वालों को चाहिए कि इबादत के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करे और उसके नेक बंदों में शामिल हो जाए।
घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रिलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रिलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स, फॉर बुकिंग्स कॉल 8298181018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर वन और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ एक साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkuleddybulb@gmail.com। हमारा पता असानंदपुर भागलपुर बिहार 812002। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में व्यवस्था राम भरोसे है। इस अस्पताल में इलाज के लिए भागलपुर जिला सहित बांका, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया और सीमावर्ती राज्य झारखंड के कई जिलों से मरीज इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। वहीं मायागंज अस्पताल से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसे देखकर अस्पताल की व्यवस्था और स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। बता दें कि खगड़िया जिला के बखरी निवासी सुशीला देवी अपने 7 वर्षीय नाती का इलाज करवाने JLNMCH पहुंची थी। बच्चा ऑक्सीजन सपोर्ट पर था, बावजूद इसके उसे स्ट्रेचर तक नहीं मिला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह अस्पताल के कर्मचारी ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आगे आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे बीमार बच्चे की नानी अपनी गोद में नाती को लेकर अस्पताल में इलाज के लिए घूम रही है। खगड़िया से स्ट्रेचर नहीं मिला, गोद में लेके आ रहे हैं। गोद में क्यों लेके आ रहे हैं बच्चे को? स्ट्रेचर कहाँ नहीं मिला, क्या बोला? नहीं वहाँ मिला। मांगे तो मांगे थे स्ट्रेचर, इतना परेशानी हो रही है गोद में लेके आ रहे हैं। पैसे तो गरीब कहाँ से आना, यही मिलता है, सरकारी मिलता है। नहीं यहाँ पे आपको स्ट्रेचर नहीं दिया, वो जो लेके जा रहा हूँ नहीं दिया। नहीं, क्या हुआ बच्चा? चमकी है था, चमकी बुखार। खगड़िया से था बच्चे का, बकरी जानते हैं बकरी? क्या दिन से बीमार है बच्चा? 6-7 महीना से। 6-7 महीना से? हाँ। यहाँ तो मेरा बेटी है ना, तो यही पर है ना। यार आज अस्पताल लाए हैं। हाँ। जाना है बच्चा का? दीवाना कुमार। क्या उम्र है? 7। आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? सुशीला देवी। क्या है इसकी? इसी की नानी है। भागलपुर में 221 फीट कावर पैदल यात्रा निकाली गई। यह यात्रा भागलपुर के बाबूपुर मोड़ सबौर से बाबा बासुकीनाथ झारखंड के लिए निकली, जिसमें हजारों शिव भक्त सम्मिलित हुए।